गुरिगिंजा, इसको गुंजा कहा जाता है, इसे संस्कृत में रत्ती कहा जाता है। पुराने ज़माने में जब सुनार सोने का तोल करते थे, इसके जो बीज रहते हैं उनको एक रत्ती यानी 125 mg उसके हिसाब से सोने का तोल मापदंड दिया जाता था। ये प्रकृष्णता है कि उसका जो बीज रहता है, हर बीज का जो माप रहता है बिल्कुल समान रहता है, इसलिए उसका रत्ती प्रमाण अपने आयुर्वेदिक में भी मान शास्त्र है, जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मान दिया जाता है। एक दवा बनाने के लिए एक तोल माप किया जाता है, कितनी दवा कितनी बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए, तो उसमें रत्ती का महत्व बताया है। जैसे स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण के जो योग है उनमें रत्ती का भाव वजन दिया जाता है, वो रत्ती इस गुंजा झाड़, जिसको क्या बोलते हैं गुंजा कहते हैं, और साथ में इसे रत्ती कहा जाता है। और आप देखते हैं छोटे बच्चे हैं उसके बीजों से खेलते हैं, लेकिन उनके जो बीज है वो विषतुल्य है, उनको हम लोग आयुर्वेदिक में उपविष माना जाता है। तो उसकी आभ्यंतर सेवन करने के लिए उसका शोधन करना अनिवार्य है, और शोधन के अनेक प्रकार है। उसको गाय के दूध में उबाला जाता है, छाछ में उबाला जाता है, घी में सेका जाता है, अलग अलग विधियाएँ शास्त्रों में वर्णित करिए, लेकिन किसी भी प्रकार के उसके बीजों का उपयोग शुद्धि करने के पश्चात ही इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो उसमें इस रत्ती में भी अलग अलग रंग के हिसाब से उसके वर्णन किया गया है, जिसमें श्वेत रत्ती, लाल रत्ती, पिंक गुलाबी रत्ती, इस प्रकार अलग अलग प्रकृति ने हमें प्रदान किया है इस रत्ती के बीजों का। इनमें से मुख्य रूप से इसका हर अवयव इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्ते, उसके बीज, उसकी जड़ औषधि रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके पत्तों का बिल्कुल मीठे मीठे पत्ते रहते हैं, मुलेठी के समान इसका जिसका मीठा मीठा स्वाद रहता है। इनके पत्तों का मुख्य रूप से पान जो खाते हैं, मीठा पान जो आप खाते हैं, उस पान में इस पत्तों का सूखा हुआ चूरा डाला जाता है, तो प्राकृतिक के मुख में एक सुगंध आता है और मुख में माधुर्य आता है। और इसके पत्तों का हम चबाने से कंठशोष, जो बात करते करते अपना मुंह सूख जाता है, तो इनके पत्तों को मुंह में रखने से कंठशोष व्याधि नहीं आती है। मुख में लालसा ठीक से आने से आवाज़ भी बिल्कुल साफ आ जाती है, और मुख में दुर्गंध नहीं आती है, मुख में बास नहीं आता, मुख में सुगंधी आती है इसके पत्तों का सेवन करने से। पत्तों में कोई भी विष प्रभाव नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार इसकी जो जड़ रहती है वो भी औषधि में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मीठी रहती है। उसको मुलेठी की जड़ कहकर मार्केट में एक डुप्लीकेट दवा बना इसकी जड़ को बेचते हैं, जो कि ठीक नहीं है। उसी प्रकार इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल करने के चीज़ों में उसके बीज है, उसका औषधि गुणों में बहुत इस्तेमाल करता है, और उनके उसके बीजों का मुख्य रूप से जो दूसरी बात जिसे आज लोगों में शैटी का जो बीमारी है, उसमें उसका अनुपान से थोड़े शास्त्रीय योग है, जैसे गुंजा भद्र रस एक दवा है जिसका उपयोग होता है, मांसपेशियों की जो तकलीफें हैं, वेदना है, उसमें उसका उपयोग जाता है। लेकिन सामान्यतः इसका एक शास्त्रीय उपयोग है, न कि कोई सामान्य जन इस्तेमाल करना या कठिन है। फिर भी आज थोड़ा अनुसंधान से ये एक चला मालूम पता चला है, इसके जो पत्ते हैं और उसके जो बीज हैं, तो अब जो हेयर ऑयल, जो बालों के लिए जो विविध प्रकार के तेल खोपरे के तेल में बिना के लगाते हैं, उसमें इसके पत्तों का, उनके बीजों का प्रक्षेप ग्रुप में डालने के बाद बालों के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और जैसे भृंगराज तेल है, उनमें भी इनके पत्तों का है और इनके बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे अच्छा प्रभाव आ रहा है हमें। इसी प्रकार इस गुंजा के बारे में इतना ही है, ये एक उपविष है, इसका देख के इस्तेमाल करना चाहिए और वैद्य के परिप्रेक्ष्य में इसको इस्तेमाल कीजिए। और सामान्य किसान भाइयों से विनती है, इस बेल को आपके घरों में आजू बाजू कहीं भी जहाँ स्थान रहे आप उसको पालिए, उसमें आपको कोई खर्चा होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें जो बीज प्राप्त होगा, मुख्य रूप से जो सफ़ेद रंग का जो बीज रहता है गुंजा का, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। उस सफ़ेद रंग के बीज का औषधियों में उपयोग बहुत पाया जाता है। लाल बीज का तो महत्व है, लेकिन उसका जो
आर्थिक लाभ होने का है वो आप अगर इस सफेद बीज का उत्पत्ति करके आप मार्केट में बेचेंगे तो उसका आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा और आपके आय में भी वृद्धि की जा सकती है। तो ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। और इसका और भी तांत्रिक प्रयोग है, इसका शोभा में भी, जैसे इसके जो बीज है इनसे आजकल कॉस्मेटिक्स में इसके हार बनाए जाते हैं, इससे जो नाक की बालियां, कान की बालियां बनाई जाती है, गले में झूमरों के जैसा, कमर में झूमरों के जैसा बनाया जाता है, तो इसका प्रकृति में बहुत इस्तेमाल लोगों का अभी भी कर रहे हैं। और तांत्रिक में भी इनका यूज़ होता है, तांत्रिक विद्या में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार एक बहुत अच्छा बहुमूल्य बेल है जो दिखने में भी सुंदर रहती है और घर की शोभा बढ़ाती है और आरोग्य भी देती है।